Your biggest takeaway from A.R. Rahman's interview? That one thing that many people don't know about you, but you think they should know. Oh, what do you look for in videos that you choose for dialogue mashups? Initially, I was used to only look for any three Bollywood artists you definitely want to collaborate with. I think I would really love to work with a compliment that made you proud of your work and from whom. I think I like, if you were to interview following celebrities, which one question you would definitely ask them? Preetam, Shehnaz Gill, Bhuvan Bam, Gary Minati. I would ask him ki Charsulli Gardulli ya Rasode mein kaun tha. हेलो, माय नेम इज यशराज मुखाटे और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। यशराज, एक रैपिड फायर में आपसे आपने करना चाहेंगे। व्हाट वुड बी दैट वन थिंग दैट वुड कन्विंस यू टू लीव औरंगाबाद एंड मूव टू मुंबई परमानेंटली? शिट, पता नहीं सर। इफ आई गेट सम इफ आई गेट अ फिल्म टू वर्क ऑन, आई विल डेफिनेटली डू दैट, आई डोंट माइंड दैट। But अभी फिलहाल तो because of this COVID, as you said, I don't think there's a need. सब काम यही से हो जाता है तो, but if definitely if I get something significant, और जैसे अभी सर ने, AR सर ने बोला कि यहाँ पर आकर रह जाता, मैं रह जाऊंगा। वो चेन्नई भी बुलाएंगे तो चेन्नई भी चला जाऊंगा। How did the lockdown help the creator in you? Actually, too many people ask me this, sir, but कैसा है कि मेरा काम करने का तरीका पिछले कुछ सालों से ऐसा ही है और अभी भी ऐसा ही है। लॉकडाउन के बाद बस क्वांटिटी बढ़ गई है काम करने की, लेकिन तरीका वही है। मैं रोज सुबह ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आता हूँ और सीधा शाम में घर पे जाता हूँ। बस मतलब मेरा रूटीन वही है, तो वो अभी लोगों तक अभी पहुंचा है, लेकिन मेरा रूटीन हमेशा से यही था। तो क्रिएट एज अ क्रिएटर आई हैव बिकम मोर एफिशिएंट यू माइट से, बट आई एम डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच आई यूज्ड टू डू। योर स्टूडियो इज इन द हाउस इटसेल्फ, इट्स राइट नेक्स्ट टू माय हाउस। Your biggest takeaway from A.R. Rahman's interview? That you should prepare more questions and you should be more confident and you should not waste the time you have got with such legend and you should ask more questions. Or बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली, और क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अच्छे से कर लूं, तो मैं वो जो उन्होंने बोला मैं सुन ही नहीं पाया ठीक से। तो मैं एडिटिंग को बैठा तब मुझे पता चला कि अरे यार इतनी बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने मेरे सामने और मैं उनको सुन नहीं पाया ठीक से। तो नेक्स्ट टाइम मैं अभी मिलूंगा तो वो मुझे याद रखना है कि जितना मैं कंज्यूम कर पाऊं उधर से उनसे ले पाऊं। ऑलराइट, वन थिंग दैट मेनी पीपल डोंट नो अबाउट यू बट यू थिंक दे शुड नो। दे शुड नो, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। आई हैव अ वेरी बोरिंग लाइफ एंड आई डोंट गो आउट दैट मच, तो मैं बस म्यूजिक ही करता रहता हूँ, जो करता हूँ बाहर डाल देता हूँ, तो ऐसा कुछ खास तो पता करने जैसा नहीं। What do you look for in videos that you choose for dialogue mashups? Initially I didn't have any strategy. Initially I was used to only look for कि musically मुझे सही लग रहा है नहीं, but later when I started putting out content that I have realized that people like it to be funny. मैंने थोड़ा एक दो videos बीच में किए जो फनी नहीं थे लेकिन म्यूजिकली मुझे सही लगा था, वो अच्छा बना था, इसलिए मैंने डाला था। बट इन द कॉमेंट्स आई रियलाइज पीपल हैव सेड कि यार फनी नहीं है, मजा नहीं आया, हंसा ना तू, ऐसा क्या कर रहा है, क्या बना रहा है। तो आई हैव रियलाइज कि उनको फनी देखना है, तो वो मुझे समझ आ गया कि अच्छा इसको कुछ सरकास्टिक इसमें कुछ एलिमेंट डाल दो, या फिर इस मतलब वो थोड़ा है, उसका एक ट्रिक है छोटा सा, वो मुझे समझ आ गया। अभी तक तो काम कर रहा है मेरे लिए, अभी फेल हो जाएगा तो मैं दूसरा कुछ सोचूंगा उसमें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीइन्वेंशन इन कंटेंट क्रिएटर्स लाइफ? Oh, it is extremely important. That is the only thing you will make you go far. Sustain करने के लिए आपको reinvent करना ही पड़ेगा. Like, for example, if I just keep making these meme songs for next 2-3 years, bore हो जाएंगे लोग और मेरे को unsubscribe भी कर सकते हैं. तो reinvention is everything. हर बार आपको वही उन्होंने ये interview में उन्होंने बोला था, मैं editing करते वक्त AR sir को पूछा मैंने कि बहुत सारे लोग अभी नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट उभर रहे हैं तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, तो उन्होंने बोला था कि हर कोई अच्छे आइडियाज के साथ आता है, हर कोई ग्रेट आइडियाज के साथ आता है, वो आप कितनी बार उसको रीइन्वेंट कर पाते हो, कितनी बार उसको रीफ्यूल कर पाते हो अपनी एनर्जी को, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो वही सीखा है उनसे, अभी वो करना है अभी वो, लेकिन वो इतना आसानी से आता नहीं है कि रीइन्वेंट करते रहो खुद को, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, तो उसमें टाइम जाएगा कुछ। अभी जैसा मेरा व्यूज का जितना मुझे अट्रैक्शन मिल रहा है वो मुझे पता है वो एक पॉइंट कम होगा, तो
फिर मैं कुछ और करूंगा शायद, फिर उसके बाद बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर करूंगा, फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे वो चलता रहेगा. तो वो आई हैव टू कीप ट्राइंग एंड कीप रीइन्वेंटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. What kind of reinvention can we expect from you in future? I don't know. I'm trying different things, or sounds se hi related kuch hoga. I might make something which is made out of unusual sounds. To mera forte wo hai, main samajhta hu. इसलिए मैं उसमें कुछ कोशिश करूंगा कि साउंड के साथ कुछ कुछ जो जो अलग कर सकता हूँ, मेरे आइडियाज जितने हैं सारे बाहर डालूंगा और फिर आप लोग बोलिए उसमें से कि आपको अच्छा लगता है, तो देखेंगे. तो इट विल टेक लिटिल टाइम. A video that you had least expectations from, but it did wonders. Actually, least to expectation nahi the, but the Rasoda video I had decided in my mind ki ye mera akhri meme song video hoga, kyunki abhi bas ho gaya, maine uske pehle aasadat kar liye the. That was my last video. Iske baad main chhod dunga meme song, kuch aur karunga. But it did what it did, and wo to sab change hi ho gaya. To mera calculation pura bigad gaya wahan se. Out of all the videos you have made so far, which one you feel is underrated? Underrated. I think the music production of that Gunda video I made, no, Bulla. Wo mujhe music production, I have really spent a lot of time on that. Other than that, there is another video which is not a meme song, which is it is kind of an a cappella. जो मैंने सोजाओ का किया था, हैदर का एक गाना है सोजाओ, उसका मैंने खांसी के साउंड्स यूज करके और उसका वीडियो बनाया था. एंड इट वाज सपोज टू गिव अ मैसेज कि आप स्मोकिंग मत कीजिए. तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत क्रिएटिव लगा था वो, कि अगर कोई दूसरा करता तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता, लेकिन उसको उतना ट्रैक्शन मिला नहीं. तो आई थिंक दैट इज दैट. आप सुनाना चाहेंगे हमको? अरे आओ ना के छा गई जहां गया सो जाओ. तो ये जो था गाना, इसके पीछे बीट्स जो थे वो मैंने कफ करके और खांसी का आवाज और खुजली का आवाज ऐसे डालकर उसको वो किया था. तो वो मैंने रिपोस्ट भी किया अपने इंस्टाग्राम पर फिर वो पता नहीं क्यों नहीं इतना चला, शायद वो बहुत डार्क लगा लोगों को, पता नहीं. Any three Bollywood artists you definitely want to collaborate with? Yes, AR sir, Amit sir, Amit Trivedi, and I think I would really love to work with Sneha Khanwalkar. And बस ये तीन तो टॉप पे सर. AR सर तो मैं मानता नहीं हूँ कि मुझे उनके साथ कभी मिलेगा मौका काम करने को, लेकिन ये लिस्ट में अगर पूछोगे तो आप तो ये तो ही तो है ही. Okay, a compliment that made you proud of your work and from whom? Oh, so AR sir, he said he उन्होंने बोला कि तुम, मैंने उनको बोला कि ये एक वीडियो की वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया और ये सब मैं बोल रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये एक वीडियो का नहीं है, तुम जो पूरा तुम्हारा इंटेंशन होता है, तुम्हारा बीइंग जो होता है, वो एक टाइम पर निकल के आता है कभी पर. इट यू आर डेस्टिन्ड टू डू दिस, तो ये नो वरी कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने वो बोला कि ये तुम एक वीडियो की वजह से नहीं हुआ, ये तुम इतने साल से जो कर रहे हो, ये तुम्हारी मेहनत का एक तुमको ये फल मिला एक साथ. तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या, वो तो सब मेरा सब हो गया उसमें, वैलिडेशन सब मिल गया. अभी मुझे वो मिल गया लेवरेज कि अब मैं कुछ भी स्टूपिड चीज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वैलिडेशन कहाँ से, ऊपर से मिला, टॉप से. तो अभी मुझे कोई वो नहीं कर सकता कि इसको समझ नहीं आता है म्यूजिक या ऐसे कुछ. तो बड़ा मजा आता. Three content creators on YouTube that you look up to? I think I like really like Prajakta Koli for her consistency. Bahut consistently she puts out content. There is another very amazing YouTuber, Dhruv Rathi. उनका music से related नहीं है, लेकिन political उनका वो channel है. लेकिन as a YouTuber, it is so tight. उनका content इतना tight होता है. Editing बहुत बढ़िया होती है. The sound quality, the video quality, everything is superb. I think other than that, there is one American channel, Recording Revolution. तो जहाँ से मैंने अपना music production का सीखा है basics. बहुत ही बढ़िया चैनल है, उसमें बहुत बेसिक से आपको म्यूजिक प्रोडक्शन का नॉलेज मिलता है. तो दैट इज अनदर चैनल, दीस थ्री चैनल्स. ओके, इफ यू वर इंटरव्यू फॉलोइंग सेलिब्रिटीज, व्हिच वन क्वेश्चन यू वुड डेफिनेटली आस्क देम? प्रीतम, इफ यू गेट टू इंटरव्यू प्रीतम, व्हाट वुड यू आस्क हिम? वेल, वन क्वेश्चन. आई वुड आस्क हिम कि उनका एक, मैंने नोटिस किया है कि जैसे बहुत सारे कंपोजर्स का एक पर्टिकुलर साउंड होता है, प्रीतम सर का एक साउंड नहीं, उनके बहुत सारे साउंड्स हैं. उनका बहुत इवॉल्व हुआ है उनका साउंड, राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट एल्बम, और फिर गैंगस्टर का एक जोन था, फिर उसके बाद बर्फी वाला एक जोन था, अभी एक ये नया वाला उनका एक जोन है अरिजीत सिंह के साथ वाला. तो उनका सुन के आप एकदम से बता नहीं सकते हो कि सर ये प्रीतम सर का गाना है. तो वो मुझे उनको पता करना है कि एक साउंड के साथ वो इतना वेरिएशन कैसे क्या है, वो मुझे पता करना है. ओके, शहनाज गिल को आप कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो? शहनाज जी को मैं पूछूंगा कि आप मेरे साथ कब कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ एक बार कोलैबोरेट कीजिए. और एक बार राखी सावंत से अगर आपको सवाल पूछना हो तो? राखी सावंत के साथ तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा एक इंटरव्यू कर लूँ उनके साथ बैठकर. मुझे मतलब मुझे बैठना है उनके सामने और उनको बोलना है कि आप बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ आपको, क्या आपको, आप बोलिए बस.
बहुत मजा आता है आपको जब बात करती हूँ। भुवन बाम से अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते। ओ भुवन भाम, उनका भी YouTube चैनल बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने YouTube क्रिएट किया है, और उन मतलब जो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके साथ तो मेरा बहुत बड़ा एक घंटे का कॉन्वर्सेशन कर सकता हूं मैं। बहुत सारे सवाल है कि कैसे होता है, अभी वो तो 20 मिलियन पे है शायद उनका सब्सक्राइबर रेट, तो 20 मिलियन पे क्या होता है, ऑडियंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, कौन से पॉइंट पे मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ, मैं कॉन्टेंट में कहाँ चेंज ला सकता हूँ, ये सब तो इनसे पूछ सकते हैं। उनका यूट्यूब उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रीमिंग बहुत करते हैं, उनका दूसरा भी एक चैनल है, इतना सब कैसे मैनेज होता है, ये यूट्यूब का क्या, और ये जो एल्गोरिदम में आपकी बात आपको बोल रहा था एल्गोरिदम का, ये लोग तो उन मतलब वो इतना डिटेल में समझ चुके हैं उस एल्गोरिदम को, तो मुझे टेक्निकली उनसे समझने में बहुत मजा आएगा। टॉमी या पावरी, योर फेवरेट डायलॉग मैशअप? आई थिंक टॉमी, आई लाइक टॉमी। चरसुल्ली गर्दुल्ली या रसोड़े में कौन था? हे भगवान, आई थिंक रसोड़े में कौन था। भुवन बाम या आशीष चंचलानी, योर फेवरेट यूट्यूबर? ओह भुवन बाम या आशीष चंचलानी, आई थिंक बोथ बहुत ही बढ़िया करते हैं दोनों, मतलब और दोनों का अलग अलग कॉमेडी स्टाइल है, मतलब मैंने एक्चुअली लेकिन बट आई हैव सीन मोर ऑफ आशीष चंचलानीज वीडियोस देन भुवन बाम्स वीडियोस, सो आई थिंक आशीष चंचलानी। प्रीतम या अमित त्रिवेदी, द बेटर कंपोजर? ओ बेटर कंपोजर, इसमें तो कुछ वो कर नहीं सकते सर, वो तो बेटर कौन सा आर्टिस्ट है आप बोल ही नहीं सकते हो, तो मुझे तो दोनों पसंद है, लेकिन मेरे भगवान तो अमित सर है, तो मैंने उनसे सीखा बहुत है, तो इसलिए अमित सर। यू मेट अमित? यस यस, आफ्टर रसोड़ा आई गॉट टू मीट हिम एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू मीट हिम अगेन सून, कि अभी लॉकडाउन तो चल रहा है लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मीट हिम अगेन। यूट्यूब व्यूज या यूट्यूब लाइक्स? यूट्यूब कमेंट्स, कमेंट्स में जो असली चीज पता चलती है, लाइक्स और व्यूज पे इतना गेज नहीं कर पाओगे आप, लेकिन असली बात जो दिल की बात है कमेंट्स में लोग लिख देते हैं कि उनको कैसा लगा, तो वो पढ़ के आप समझ सकते हो। राजू ईरानी या रोहित शेट्टी, हु मेक्स बेटर कॉमेडी फिल्म्स? ये तो बहुत टफ है, बट आई रियली कॉमेडी सर, ओके सर, रोहित शेट्टी मेक्स वेरी गुड कॉमेडी फिल्म्स, बट आई रियली लाइक राजू सर, उनका अलग, उनका एडिटिंग का मैंने बहुत, उनके इंटरव्यूज मैंने बहुत देखे हैं, तो उनसे मैंने बहुत एडिटिंग के बारे में सीखा भी है, तो आई थिंक दो अलग अलग चीजों के लिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी एंड में, अगर आप एक मैशअप हमें सुना सके, आपके जो वेरियस आपके जो फेमस रहे टॉमी और रसोड़ा और पावरी, अगर आप एक मैशअप टाइप का सुना सके। मैशअप तो ठीक है, मैं आपको वो सुना देता हूँ क्योंकि उसमें क्या सुर नहीं होते इतने ना, मैं रसोड़ा वाला आपको सुना देता हूँ। तो कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, वहां कौन था, मैं थी तुम थी, मैं थी तुम थी, कौन था, कौन था, ये राशि थी, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, ये राशि थी, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, ये था। Fantastic. हेलो, माय नेम इज यशराज मुखाटे और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।